हेलो क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों, दिस इज डेट 19th ऑफ अक्टूबर 2020। स्पेशल इंटीग्रल्स का बहुत तेजी से दौड़ रहा है। स्पेशल इंटीग्रल्स का पार्ट 4 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 9। और कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर 9 स्पेशल इंटीग्रल है, आप पहले 3 स्पेशल इंटीग्रल के क्वेश्चन में ही क्यों है? तो मेरा आंसर ये है कि आपको जितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीखना है वो आपको पहला 3 पर ही सीख लेना है। फिर जब पहला 3 पर आप सब टाइप ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स के क्वेश्चन कर लेंगे तो बाकी जो 3+3 है उसमें आपको एक भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। यही 3 में ही जितने टाइप का क्वेश्चन है आपको करना है उसी टाइप्स में अब आगे चल रहा है। ऐसा टाइप ऐसा है, बस ये मत समझ लेना कि स्पेशल का क्वेश्चन नहीं है, वो घुमा फिरा करके स्पेशल का ही होगा, बट पहले पहचानना पड़ेगा। जैसे पिछले 2 दिन से कर रहे थे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 1 पावर ज्यादा, अंत में तो वो स्पेशल इंटीग्रल का ही क्वेश्चन निकला। वैसे ही कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में रहे, dx by a plus b cos square x, dx by a plus b sin square x, या dx by a square cos square x plus b sin x cos x plus c sin square x, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिख जाए इंटीग्रेशन में, तो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos square x से डिवाइड कर देना, थोड़ा मैनिपुलेट कर देना क्वेश्चन को, एक स्टेप आएगा उसमें tan x को t पुट कर देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देना, sec square x बराबर dt by dx कर देना, और फिर देखना वो क्वेश्चन घूम फिर के स्पेशल इंटीग्रल का बन जाएगा। उसको हम लोग अप्रोच करते हैं, कैसे करेंगे अभी बताता हूं कुछ क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन को देखो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन dx by 1+3 sin square x plus 8 cos square x। चलो बताओ क्या करना। अभी क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, बताओ कितना हुआ, 1 by cos square x, sec square x, फिर 1 by cos square x, sec square x plus 3 sin square x by cos square x, tan square x plus 8 dx। एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, ऊपर वाले sec square x को रहने दो, नीचे वाले को 10th क्लास के तरह से 1 plus tan square x बराबर sec square x होता है, तो sec square x के बराबर 1 plus tan square x plus 3 tan square x plus 8 dx, sec square x dx 9 plus 4 tan square x, 9 plus 4 tan square x। ठीक है, इसके बाद अभी बताए थे क्या करने के लिए आप लोगों को, है ना, कुछ लोग समझ ही गए इसके बाद क्या करना है। रट के भी कर सकते हैं, यही है, अभी 9-10 तक बोलता है मैथ्स, रट करके नहीं बोल सकते। एक्चुअली में 11-12 में कुछ भारी भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रट के भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग पुट कर देंगे tan x को t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, tan x का sec स्क्वायर x dt by dx, this dx is dt by sec square x. Now question becomes ऐसे हो गया, sec square x dx के लिए ऊपर क्या हो गया, sec square x dx के लिए ऊपर सीधा dt by 9 plus 4 t square, है ना। फॉर्मूला लगाने के लिए इन सारे फॉर्मूला में x स्क्वायर मतलब वेरिएबल के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसको 4 बाहर निकाल लेंगे, दिस इज dt by t स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 9/4, 3/2 का स्क्वायर। प्लस वाले में तो आसान है, इसी फॉर्मूला पर है, 1/8, तो तरीके से 1/4 तो पहले से है, फिर 1/8 के जगह पर 3/2 tan इनवर्स x by a, मतलब t by a के जगह पर फिर 3
टू प्लस सी, ये कट गया दो बार में, सो दिस इज 1/6 टेन इनवर्स 2p/3 प्लस सी, फाइनल आंसर इज 1/6 टेन इनवर्स 2/3, टी तो क्वेश्चन में ही नहीं था, 2/3 टेन एक्स प्लस सी, दिस इज 1/6 टेन इनवर्स 2/3 टेन एक्स प्लस सी, 1/6 tan inverse 2 tan x by 3 plus c। इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाओ, इन्हीं तीनों स्पेशल इंटीग्रल, यही तीन स्पेशल इंटीग्रल है जो कि अभी तक आपको याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, पहले ये तीन स्पेशल इंटीग्रल भी याद करो, बाकी तीन और प्लस तीन छह स्पेशल इंटीग्रल का उपाय खुद लग जाएगा, फटाफट याद करो। इस क्वेश्चन को देखो, यही सब क्वेश्चन हम लोग जब स्कूल में भी थे तो बड़ा टफ हो जाता था, देखने में लगेगा एकदम मामूली और हो जाता है क्वेश्चन खराब। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय कॉस 3x है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय कॉस 3x है ना, इसको शुरू करने के लिए हमें 11th क्लास में कॉस 3x का फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस 3x का कितना होता 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये साइन और कॉस एक जैसा ही है, तो थोड़ा एक बार मिला लेना 11 के बुक से, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकता है। 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स यही होता है, ठीक है। तो अब इसको शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय कॉस 3x इज 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स dx, ठीक है। अभी जो बोला था, अभी जस्ट तो लिखा था तीन स्पेशल इंटीग्रल्स, उसमें आप लोग तो देख रहे थे ऊपर वाला खाली होना चाहिए, ऊपर सिर्फ डी एक्स, यहाँ तो कॉस एक्स है तो पहले ही कॉस एक्स से डिवाइड कर लो, पहले ही कॉस एक्स से डिवाइड, तो कितना हो गया ऊपर डी एक्स नीचे डिवाइड का मतलब ये तो कॉमन निकल के कट गया, अभी हम लोग मेथड शुरू नहीं किए, 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3, ठीक है, 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं इसको, 4 cos square x minus 3, 1 के जगह पर sin square x plus cos square x, this is dx by 4 cos square x में से 3 cos square x गया, 4 cos square में से 3 cos square x जब एक cos square x बचा minus 3 sin square x, 4 cos square x में से 3 cos square x गया, cos square x बचा minus 3 cos square x। अब हम लोग मेथड फॉलो करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे ही करते थे, कितना हो जाएगा बताओ, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 टैन स्क्वायर एक्स dx, और बोला था थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेंगे, हाँ sec square x, इस sec square x से और 1 plus tan square x minus 3 tan square x dx, so this is sec square x 1 plus tan square theta बराबर sec square theta, तो ना हाँ, तो this is 1 minus 2 tan square x dx, put tan x बराबर t, differentiate with respect to x, sec square x बराबर dt by dx, तो वही sec square x dx बराबर dt हो गया, so this is dt by 1 minus 2 t square। अब इसमें प्रॉब्लम है, स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाने के लिए वेरिएबल का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर माइनस 2 है, हम लोग पहले माइनस 2 को बाहर कर देंगे, माइनस 1 बाय 2 मतलब माइनस 2 को बाहर किए तो dt बाय क्या बचा है इंटीग्रेशन पे, मतलब माइनस 2 बाहर निकाल लिए, ये बच गया t का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, वन में से माइनस 1 बाय 2 तो माइनस 1 बाय 2 ऐसा ही हुआ क्या, लाइन बलाइन करते हैं,
नीचे नीचे माइनस टू को बाहर निकालो, नीचे नीचे माइनस टू को निकालो, ये कितना बच गया, वन में से माइनस टू निकाल दिया, ये माइनस वन बाई टू बचा, ठीक है नहीं है, क्यों इसे माइनस टू को बाहर निकाले, माइनस टू इंटू माइनस वन बाई टू, माइनस वन कट जाता है, टू टू कट जाता है, वन लिखा जाता है, ये ठीक है, इसी माइनस को यहां लिख दिए हैं, और इसमें क्या किया, माइनस टू को बाहर निकाले तो प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, दिस इज माइनस वन बाई टू, दिस इज डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस वन बाई टू है, इसको वन बाई रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको सेटअप करेंगे, ये कल परसों एक बार गलती हो गया था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस पे, सो दिस इज माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई टू, वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर है, माइनस वन बाई टू, वन बाई टू ए के जगह पर वन बाई रूट टू लॉग एक्स माइनस है तो टी माइनस वन बाय रूट टू टी प्लस वन बाय रूट टू प्लस सी है ना बॉस, तो ये रूट टू ऊपर आ गया था, माइनस रूट टू बाई फोर लॉग रूट टी माइनस वन बाय रूट टी प्लस वन प्लस सी, टी वॉज नॉट इन द क्वेश्चन, माइनस रूट टू बाई फोर लॉग रूट टू टी के जगह पर टेन एक्स माइनस वन बाई रूट टू टेन एक्स प्लस वन प्लस सी, ये रूट टू बाई फोर तो थोड़ा काट सकते हो, काटने का मन है तो रूट टू बाई फोर जो है वो बॉस कट जाएगा, रूट टू बाई फोर जो है बॉस कुछ लोग समझ गए होंगे बच्चों, इसलिए कि अब भारी मिस्टेक हो गया है, वो फ्लो फ्लो में गलती हो जाता है, सॉरी है, आप लोग थोड़ा सुधारिए, एग्जाम पर गलती हो गया, यहाँ पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स जब कर रहे थे तो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स एक स्क्वायर एक्स तो हो गया, बट कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से कर रहे थे तो ये एक स्क्वायर एक्स थोड़ी होता, ये जो है वो वन ही हो जाता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स दैट वुड हैव बीन वन, थोड़ा सा गलती हो गया, माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर तो sec स्क्वायर एक्स, दिस इज वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, दिस इज sec स्क्वायर एक्स और वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स ये सब सही है तो वन माइनस थ्री टी स्क्वायर हो जाता, फिर माइनस वन बाई थ्री बाहर निकाल दो, माइनस वन बाई थ्री प्लस टी स्क्वायर हो जाता, वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर हो जाता, वन बाई थ्री टू इंटू ए के जगह पर वन बाई रूट थ्री हो जाता है ना, ये वाला भी रूट थ्री हो जाता, ये भी रूट थ्री हो जाता, फिर रूट थ्री ऊपर आ जाता, नहीं माइनस रूट थ्री बाई छ हो जाता, लॉग रूट थ्री टी माइनस वन थ्री टी प्लस वन माइनस रूट थ्री बाई छ हो जाता, रूट थ्री टेन एक्स, रूट थ्री टेन एक्स प्लस वन, ये रूट थ्री बाई छ कट सकता था, रूट थ्री बाई छ वन बाई टू रूट थ्री बार में कट सकता था है ना, तो वो काटते रहना खुद से, वन प्लस रूट थ्री टेन एक्स, ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता, थोड़ी सी सिली मिस्टेक हुई है, वन माइनस थ्री, इसको सुधार लेना, थोड़ी सी सिली मिस्टेक होने की वजह से थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है इसको सुधार लेना।
कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने पर फिर से एक स्क्वायर एक्स लिख दिया था, कॉस को कॉस से काटेंगे तो सिर्फ वन ही बन जाएगा। अब नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन 35 है इंपॉर्टेंट में, दिस इज न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर दो पावर ज्यादा। ये कोई सिर्फ क्वेश्चन नंबर 35 नहीं है, ऐसा 50 क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारी किताब में जिसके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर दो पावर ज्यादा हो। इसको बनाने का एक जेन्युइन तरीका, जेन्युइन एल्गोरिथम टेक्निक है, मेथड है, उसी को आप लोगों को फॉलो करना होगा। बट देख लो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक नहीं, पहले शुरुआत से बताओ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर सेम तो लॉन्ग डिविजन, याद कर लो कॉपी में करवाया हुआ है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का एक पावर ज्यादा तो सब्स्टिट्यूशन, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में एक पावर ज्यादा लेकिन सब्स्टिट्यूशन से नहीं आ रहा हो तो पिछले दो तीन दिन से बताया जा रहा है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है वो। अब है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में दो पावर ज्यादा, 3 पावर ज्यादा 4 पावर ज्यादा अगर हो तो समझ लेना कि वो या तो किसी ट्रिक पर बन रहा है या फिर वो आपके क्लास का क्वेश्चन नहीं है। अगर 3 पावर 6 पावर 8 पावर ज्यादा वाला है मतलब वो किसी ट्रिक पर है, कुछ मानने पर बन जाएगा, टेक्निक यही तक है 2 पावर ज्यादा का, ठीक है। अच्छा पूरा नहीं बोला, एक बार और बोलता हूं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर पावर बराबर से नहीं, और पीछे से शुरू करो, न्यूमरेटर का पावर ज्यादा डिनोमिनेटर का कम तो भी लॉन्ग डिविजन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर सेम तो भी लॉन्ग डिविजन, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का पावर एक ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में एक पावर ज्यादा लेकिन सब्स्टिट्यूशन से नहीं आ रहा हो तो डिफरेंट टेक्निक है 6 नंबर वाला, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 2 पावर ज्यादा तो अभी जैसे बताऊंगा वैसे बनाना होगा, ठीक है। आप लोग ये हो रहा है तो एक जगह पर कॉपी पे नोट कर लो याद करने के लिए, नहीं तो फिर मैं इतने साल से पढ़ाते हुए एक चीज सीखा, इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेप अप्रोच करने में दिक्कत होता है बच्चों को, उसके बाद जिनको फॉर्मूला याद है सब्स्टिट्यूशन आता है खींच खींच के कर ही लेते हैं। तो इसको सबसे पहले करना है x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना, x स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, बताओ कितना हुआ, दिस इज 1 + 1/x² x² + 1/x² dx, 1 + 1/x² x² + 1/x² dx, ठीक है। अब बोलोगे आप क्या सर, आप क्या करें, आप देखना अभी जो बात बोल रहा हूं उसको सुनना, हिंदी में कहीं पर लिखना है तो लिख लेना। डिनोमिनेटर को ऐसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, अभी तक सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे थे, अब डिनोमिनेटर को ऐसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे कि डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करने पर न्यूमरेटर के बराबर आना चाहिए। रूल है, टेक्निक है, फॉर्मूला है, मेथड है, एल्गोरिथम है, जो बोलना है बोल लो, साइड में लिख जरूर लेना। जैसे कि इसमें ऊपर लाना है 1, तो 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है x का, मतलब ऊपर वाले कैसे लिखेंगे 1 + 1/x² नीचे वाले को थोड़ा समझ के करना, बताओ क्या होगा, 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है x का, +1/x² किसका होता है -1/x का, इसी का स्क्वायर पूरा करना, ऐसे ही करना ही पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है करने का। x का 1 -1/x का डिफरेंशिएशन +1/x² ऊपर का तो हिसाब बन गया बट नीचे का हिसाब गलत हो गया। नीचे क्या गलत हुआ, ए स्क्वायर तो ठीक है +b² ठीक है, माइनस मतलब a² + b² -2ab होता, -2 × x × 1/x मतलब -2 ज्यादा हो जाता, इसको मैनेज करने के लिए यहां पर +2 और इस पूरे को dx इस तरह से सेटअप करना, ठीक है। अब क्या मैं बोला, इसको ऐसे करना है कि इसको टी पुट करते ही ऊपर वाला आना चाहिए, तो वो आना ही चाहिए, x - 1/x को टी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 1 + 1/x², दिस इज dt/dx, ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन क्या बन गया, हाँ 1 + 1/x² 1 + 1/x² dx, मतलब ये पूरा dt हो गया, दिस इज dt बाई नीचे, इसको तो t पुट किया, दिस इज t की स्क्वायर प्लस 2 को हम लोग लिखेंगे √2 का स्क्वायर, और ये फिर से जैसे कि मैं बता रहा हूं ये स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, दिस इज 1/a, दिस इज 1/a पर है √2 tan इनवर्स x/a x at t by √2 + c 1 by
रूट टू टेन इनवर्स टी बाई रूट टू, टी के जगह पर एक्स माइनस वन बाई एक्स, दिस इज एक्स माइनस वन बाई एक्स बाई रूट टू प्लस सी। इसको थोड़ा बहुत आपके तरफ से मैनिपुलेट करके लिख सकते हो, बट स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ बुक में, थोड़ा मैनिपुलेट कर लो। दिस इज वन बाई रूट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई रूट टू एक्स प्लस सी, वन बाई रूट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई रूट टू एक्स प्लस सी। पांच बार आया है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, देखने के बाद लग रहा होगा आसान है, खुद से बनता ही नहीं, डेफिनेट टेक्निक है, टेक्निक फॉलो नहीं करोगे तो आंसर आने का कोई चांस नहीं है। एक क्वेश्चन खुद से करके देखो, वीडियो को पॉज करके, थ्री टाइम्स आया है बोर्ड्स के एग्जाम में, तीन बार आया है बोर्ड्स के एग्जाम में, थ्री टाइम्स बोर्ड्स एग्जामिनेशन, खुद से करके देखो। अभी होमवर्क ही रहेगा, वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी एक क्वेश्चन और बनाएंगे, बट ये अभी होमवर्क रहेगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट में, ये आपका होमवर्क, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स की पावर फोर प्लस 16, दो पावर ज्यादा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स की पावर फोर प्लस 16 डीएक्स। अभी बना करके व्हाट्सएप करना, वीडियो खत्म नहीं, अभी वीडियो को एंड तक देखना, अभी इसको और आगे भी कंटिन्यू करना है। इसका आंसर बना के देखना, दिस वन बाई टू रूट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई टू रूट टू एक्स प्लस सी, ये आएगा। इसको करके फिर ऐसा एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, ऐसा एक और जिनका आ गया, जिनका सही आ गया, जिनका सही आ गया, ऐसा एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो। दसियों बार आया है बोर्ड्स के एग्जाम में, 10 टाइम्स आ चुका है, नंबर 37। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब इसमें बताओ, स्टेप बाय स्टेप करो, स्टेप क्या है वही है, स्टेप क्या है वही है, स्टेप क्या है ये वही है, पावर जो ज्यादा है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, बताओ कितना हुआ, वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, पहले याद रख लीजिए, ठीक है। अब कंप्लीट करना है, कैसे होगा, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, अभी मेथड बताया था, इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर होगा, एक्स का वन, वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, अपने से हिसाब लगाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, प्लस टू ज्यादा हो रहा है तो माइनस टू करना है, वन पहले से है और माइनस टू करेंगे तो माइनस वन बच जाएगा, दिस विल बी माइनस वन, ठीक है, प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पुट x प्लस वन बाई एक्स को t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स, तो वही डी एक्स इंटू वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये डी टी हो ही जाना है, दिस इज डी टी बाई टी की स्क्वायर माइनस वन की स्क्वायर, टी की स्क्वायर माइनस वन की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको है वन बाई टू ए, दिस इज वन बाई टू ए, वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी, वन बाई टू लॉग टी के जगह पर वही जो था अपना एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी, और यू कैन से वन बाई टू लॉग मॉड एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो दिस इज 1 बाय 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको ध्यान से करके रखो। पीछे आज सुबह ही एक वीडियो आया, उसमें भी होमवर्क दिया गया 3-4 क्वेश्चन, उसको बनाओ फिर इसको बनाओ। क्लास ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया है बच्चों, जो लोग ऑफलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन करो, जो लोग को लगता है घर पर सेफ्टी इसके साथ करना उन लोग सेफ्टी पूर्वक भी कर सकते हैं। बस होमवर्क बना करके सबमिट जरूर करके रखो। मिलता है अगले क्लास में स्पेशल इंटीग्रल्स के ही साथ। तब तक आपका काम रहा कि मैंने तो 6 लिखाया है, 6ों को याद करके चलो और क्वेश्चन पहले 3 पर ही बनाओ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।